अरे वेरी गुड वेरी गुड, ये रकम मेरे अकाउंट में डाल दो, बैंक में आकर हिसाब देखूंगा। सुनिए जी, यहाँ तो पीछा छोड़ो। सुनिए जी, क्या बात है? चेको पंडित जी कह रहे हैं कि मुन्ने के नाम का पहला अक्षर गा होना चाहिए। मैं मुन्ने का नाम अपने पिताजी के नाम से रखूंगी, गिरधारी लाल। ये मुंह और मैसूर की दाल गिरधारी लाल उनके नाम पर क्यों रखोगे? वो तो जिंदगी भर पापड़ ही बेलते रहे। खुद तो नहीं बेलते थे, उनके पास तो नौकर थे काम करने के लिए, पापड़ों की दुकान थी और वो भी बीच बाजार में। अरे बीच बाजार में हो या गली के नुक्कड़ पर, बेलते तो पापड़ ही थे। अरे मेरे पिताजी बहुत भाग्यशाली थे, बहुत बड़े साहूकार थे, दस दस आदमी रोज सलाम करने के लिए आते थे। उनका नाम भी गाक्षर से शुरू होता था। मैं तो मुन्ने का नाम उनके नाम पर रखूंगा। क्या नाम था उनका? वाह वाह वाह, गंगाधर, क्या खड़ा है नाम में। पंडित जी थैंक यू, आप जा सकते हैं और दक्षिणा शाम को ले जाइए। पिताजी क्या झगड़ा शुरू कर दिया? कोई अच्छा सा नाम देके रख लीजिए। मेरे बाप का नाम गोपीनाथ था सेठ जी, वो भी घर से शुरू होता था। अरे तू अपने बाप के नाम का बीच में जिक्र क्यों कर रहा है? मुंह लगाई डुमनी का है, ताल पे ताल नाम रख रहे हम अपने बच्चे का, तेरे बाप का अचार डाल ले। सेठ जी आप तो खामखा नाराज हो गए। मेरा कहने का मतलब था कि आप आपस में झगड़ रहे हैं, कोई फैसला तो हो नहीं रहा, तो आप कोई बीच वाला नाम रख लीजिए ना। बीच वाला नाम तेरे बाप का रख ले, हम क्या बंदर की औलाद। सेठ जी मैं अपने बाप की औलाद हूँ, बंदर की नहीं। अरे ओ घंटी बज रही है, जाकर दरवाजा खोल, चल। अभी जा रहा, अभी जा, अब बच्चा रो रहा है, अंदर जाके संभालो ना। रो रहा है बच्चा, जाओ। हाँ 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 हाँ, देखा कितना अच्छा घर है ना? है तो अच्छा। कौन है आप? मैं एजेंट हूँ, मुझे घर धनी ने भेजा है। ये साहब घर खरीदना चाहते हैं, इन्हें घर दिखाने लाया हूँ। क्या दिखाने लाया? घर। शर्म नहीं आती आपको? भोले भाले लोगों को फंसा के यहाँ ले आते हो, भला इस भूत बंगले में कोई रह सकता? भूत बंगला? जी हाँ, कुछ नहीं बताया इन्होंने। नहीं तो आज ये बताएंगे भी क्यों? ये तो इस घर से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वरना जो भी इस घर में आता पागल हो जाता। पागल हो जाता है? जी हाँ, हमारे सेठ जी की तरफ देखिए, जब आए थे बिल्कुल भोले भाले सीधे साधे थे, अब तो जब देखिए सेठानी के साथ भिड़े रहते हैं, विश्वास नहीं आता। पुकार कर देखिए, गिरधारी लाल उनका नाम है। आइए 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 आइए। अरे बुलाइए बुलाइए, गिरधारी लाल जी को बुलाइए। गिरधारी लाल जी, गिरधारी लाल तेरा बाप लूंगे। देखा देखा, ये तो शुरू हुआ था, तुम्हारा सर फोड़ा ले, भागो। अरे भागो। ये सब क्या चक्कर है? बिरजू हलवाई ने मिठाई भिजवाई है। हाँ वाह वाह, चलो। बिरजू हलवाई ने मिठाई भिजवाई है? अरे भिजवाई तो ऐसे कह रहे जैसे उसने मुफ्त भेजी है। अरे हमने ऑर्डर किया था। इतनी सारी मिठाई किसके लिए मंगवाई? हाँ, किसके लिए मंगवाई? अरे बीच में मत बोलो बेटे, मेहमान नहीं आएंगे क्या? तुम्हारे दोस्त भी आएंगे, हमारे मेहमान भी आएंगे, क्या वो हमारा सर खाएंगे? हाँ, क्या सर खाएंगे? अरे बात मत करो, सामान अंदर रखवाओ। हाँ भाइयों मार्च। बेटा मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर। एक दो तीन चार पाँच छह सात। ओहो पिताजी ने तो बड़ी मुसीबत में डाल दिया, इतने सारे मेहमान कहाँ से आएंगे? पहचान के आदमियों को बुलाया तो भांडा फूट जाएगा। मैं बताऊँ? बताओ। जिस तरह ये मकान फर्नीचर और मोटर किराए पे मंगाया ना, उसी तरह मेहमान भी किराए पे मंगा लो। मेहमान किराए पे मिलते हैं क्या? हाँ हाँ, पिक्चरों में जो पार्टियों के सीन होते हैं ना, उसमें सब मेहमान किराए के होते हैं। सच? लेकिन मेहमान कहाँ से बुलाएंगे? हाँ मैडम को सब मालूम है, मैं उसे फोन कर देता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे नीलकंठ तो काम कर रहा है, तुम दोनों खड़े क्या कर रहे हो? जाकर तैयारी करो, पंडित जी कहते हैं कि पूजा में पति पत्नी दोनों को बैठना है। दोनों को? हाँ दोनों को। लेकिन मैं अकेली नहीं बैठ सकती। क्यों, इसको क्या हुआ है? अरे पंडित जी कहते हैं कि जो शास्त्रों में लिखा है वही होना चाहिए। क्यों पंडित जी? जी, जी शास्त्रों में लिखा है कि पति पत्नी दोनों को पूजा पर बैठना है। जाओ तैयारी करो। आइए पंडित जी। क्या हुआ दीदी? भाई साहब पंडित जी कहते हैं पूजा में पति पत्नी को साथ बैठना होगा, मैं इन्हें साथ बिठा कर पूजा कैसे करूंगी? मेरी एक भूल ने आज ये दिन दिखाया कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। मैं ये नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। लेकिन अब क्या करोगी? मैं अभी पिताजी के पास जाकर कह देती हूँ कि ये सब झूठ था, ये मकान मेरा नहीं, ये फर्नीचर मेरा नहीं, वो गाड़ी मेरी नहीं, ये पति भी मेरा नहीं। एक भूल को छुपाने के लिए दूसरी भूल करोगी? तो फिर मैं क्या करूँ? तुम यही चाहती हो ना कि दीपू तुम्हारे साथ पूजा में नहीं बैठे? हाँ। नहीं बैठेगा। कैसे? ये चक्कर मैं चलाता हूँ। दीपू लेकिन गुरु कहीं मेरी हड्डी पसली बराबर हो गई। अगर बेवकूफी से करोगे
तो हड्डी पसली जरूर एक होगी। आदमी तुम होशियार हो, मामला जमा के करोगे जम जाएगा। समझा समझा। ओके चढ़ जा बेटा सूली पे, राम जी भला करें। नीलकंठ जी, राजेश बाबू जरा नीचे आइए, सोफा हटाना। आया। मर गया, अरे मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। अरे 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 मर गया। अरे मूर्ख, तुम्हें उतरने को कहा था, लुढ़कने को नहीं। ये क्या हुआ, कैसी आवाज थी? अरे तुम्हारा जवान सीढ़ियों से फिसल गया है, अब से गिरा है गधे की तरह। अरे तुम्हें दिल लगी सुधरी है, लड़का बेहोश हो गया है। ओहो नीलकंठ। हां जी सर जी। अच्छा चलो। हां कल पूरे ढीले हो गए हैं। ये मर गया जिंदा? अरे मरे थे। क्या कुछ नहीं कुछ नहीं बीवी जी, जरा हवा में पलटी मारी है इसने। अरे चलो खून पूछ रहे इसका। नीलकंठ तू किसी डॉक्टर को जानता है? एक तो इसी मोहल्ले में रहता है, जिस सेठ के मैं पहले काम करता था ना, उसके कुत्ते का इलाज भी उसी ने किया था। हाय हाय जन्म चले, कुत्तों का डॉक्टर दूसरा होता है और आदमियों का दूसरा। अरे माँ जी मुझे क्या मालूम, एक बार पेट में बहुत दर्द हुआ था, उसकी गोली से बहुत आराम मिला। अबे उल्लू ये बता तू किसी दूसरे डॉक्टर को जानता है? दूसरा? हाँ वो रेलवे लाइन के उस पार रहता है। अरे भले वो रेलवे लाइन के बीच में रहता है, उसे जाकर लेकर आ जा। इसे हिलाना मत, बहुत चोट आई है। हिलाना मत, बहुत चोट आई है। मामा जी पाया लागो। मामा जी तू कैसे आ गया? मैं रेल से आ गया मामा जी। अरे रेल से ही आया होगा, तो हाथी पे चढ़ के तो आया नहीं। मगर आया किस लिए? मैंने कहा कि इतना अच्छा मौका है, मुन्ने का नाम करना है, तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी आ गया मामा जी। बहुत अच्छा किया तू आ गया। तो अब ऐसे कर कि बिंदासन सॉलिसिटर के यहाँ चला जा और उससे जाकर वसीयत के कागजात लेकर आ। वसीयत? कैसी वसीयत मामा जी? अरे भाई नई वसीयत लिखवाई है उससे, अपनी जायदाद मुन्ना के नाम कर रहा हूँ। मुन्ना क्या नाम कर रहा है? बहुत अच्छा कर रहे हो मामा जी, मैं अभी कागजात लेके आता हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हो मामा जी। अरे अरे ये कौन है? मैं डॉक्टर मदन हूँ। पिताजी ये राजेश के बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छी बात है, दोस्त भी है और डॉक्टर भी है, उसका अच्छी तरह इलाज करेगा। मरीज का ऊपर चलिए। माँ कल्याणकारी बालक, पिछले दो दिनों से तुझे बिल्कुल विश्राम नहीं मिला, जा आज का दिन तुझे पूर्ण विश्राम। गुरु तुम ये क्यों नहीं कहते थे कि मेरी हालत बहुत खराब है, मुझे अस्पताल भिजवा दो, मैं वहाँ से सटक जाऊंगा, मेरी शादी होने वाली है। गुरु आज के दिन पड़े रहो, कल भिजवा देंगे। इसको भिजवा रही हो? कहाँ भिजवा रही है इसे? डॉक्टर साहब कह रहे थे बहुत चोट आई है, शायद अस्पताल भिजवाना पड़े। मैंने कहा आज के दिन देख लीजिए। क्यों डॉक्टर? जी हाँ, चोट तो बहुत आई है, ये भी जरा तो हिल भी नहीं सकता। राम 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 राम, तो फिर पूजा कैसे होगी? पंडित जी आप क्यों फिक्र करते हैं, पूजा पे मैं और कल्पना की माँ बैठ जाएंगे। नहीं 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 नहीं। अरे नहीं नहीं, क्या तुम्हें हमारा बैठना अच्छा नहीं लगता? ये बात नहीं पिताजी, नामकरण में इनके पिताजी आ रहे हैं। ये तो बढ़िया बात है, वो आ रहे हैं तो फिर वही बैठेंगे। चलो कोई बात नहीं, उन्हीं को बैठने दो। चलो तुम चलो मेरे साथ। क्यों जाने मन? क्या पहचाना नहीं? ओह आप पिताजी, पिताजी जल्दी आइए, देखिए तो कौन आया है। अरे यार तूफान आ गया है, भूटान आ गया है, गुजरात भी आ गई है। ये बुड्ढा कौन है, बहुत बड़बड़ कर रहा है? ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी ये हैं राजेश के पिताजी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप ही हैं वो मक्खी चूस जो अपनी बेटी के लिए बहुत बड़ा बकरा ढूंढ रहे थे, लेकिन तुम कोई बुरा काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि किसी भी गरीब लड़के को अमीर लड़की से शादी करने का कोई हक नहीं। ओह सॉरी सॉरी, तुमने अपनी बेटी को जायदाद से अलग करके बहुत अच्छा किया। मगर अब तो मैंने जायदाद, बात बीच में मत काटो। हमें तो इस बात की हैरत हो रही है कि तुम जैसे बुढ़ऊ ने इतनी खूबसूरत लड़की कैसे पैदा किया। लड़की तुम्हारा वो गधा पति देव कहाँ है? ऊपर कमरे में, कमरे में। फिर बीच में बोले, हम लड़की से पूछ रहे हैं।
मैं अपने बेटे को बहुत ही गधा समझता था, लेकिन उसने तुम जैसी खूबसूरत लड़की के साथ शादी करके अपनी समझदारी का नमूना पेश कर दिया।